और न्यूज 18 को मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त जुबानी हमला बोला। सीएम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केजरीवाल गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और ऐसे लोगों का मीडिया साक्षात्कार कैसे कर सकता है। केजरीवाल 40 दिन तिहाड़ में गुजारे, बाहर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो इकोसिस्टम या वो खुद इसको अपनी जीत बता रहे हैं, जैसे घोटाला हुआ नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा और रिजाइन बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सब प्लॉट था मेरे अगेंस्ट, करें कि ये बेल है मेरी जीत है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत उनका जो मामला चल रहा है उस पर कोई भी टिप्पणी करूं उचित नहीं है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है। मेरी चिंता कोई व्यक्ति नहीं है, मैं तो अदालत ने क्या कहा उसके पर अगर ध्यान केंद्रित करूं तो शराब घोटाले में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है मैं उसको तो मानूंगा, एजेंसी ने क्या किया है छोड़ो, किसी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है वो छोड़ो, वो स्वयं क्या कहते हैं वो छोड़ो, कम से कम हाईकोर्ट ने शराब घोटा के लेके मारे में जो कहा है और बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। अब चिंता का विषय यह है देश में और जो गंभीर है कि सार्वजनिक जीवन में कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, अपनी खुद की बातों पर भी कोई कमिटमेंट नहीं रहेगा, सार्वजनिक जीवन में एक जमाना था स्कूल में कोई बच्चा अगर कॉपी करता है और पकड़ा जाए तो महीने भर स्कूल नहीं आता था, उसके माँ बाप भी शर्माते थे, यार मेरे बेटा एग्जाम में कॉपी करने में पकड़ा गया था, ये स्थिति थी। यानी इन चीजों को बुरा माना जाता था हमारे समाज में, आज बेशर्मी के साथ सजा जिनको हो चुकी है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं उनको कंधे पे लेकर के आप सार्वजनिक रूप से नाच रहे हो, ये जो पतन हुआ है वो चिंता का विषय है, मुझे कोई पर्सन से लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ तो भ्रष्टाचार की होता क्या, पहले जमाने में डाकू होते थे, महिमा मंडन होता था उनका, वो डकैती करते थे, महिमा मंडन होता था समाज में, अखबारों में भी, मैं जो बारा तो पहले के जमाने में दो पेज स्टोरी कवर स्टोरी मिलती थी उनको कि ऐसा ऐसा उसका तो जीवन ऐसा वो तो ऐसा कर सकता है और वो बड़े बन जाते थे। दुर्भाग्य से अब राजनेताओं को ये बेनिफिट मिलने लगा है कि इतना भ्रष्ट लोगों का, मैं तो हैरान हूं कि कोई अखबार वाला किसी भ्रष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जाए। एक चार्ल्स सोबराज मैंने अखबार देखा था कि लोग इसका इंटरव्यू करने जाते थे और आज मैं देख रहा हूं, वरना कोई भाई अब इनके विषय में एक बार क्लियर हो जाए तब तक रहने दो, ये पतन है समाज जीवन का, मेरी चिंता वो है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जा रही हैं, जल्द लौटते हैं।